मम्मी यस आज कुछ अलग करते हैं। रोज ही अलग करते हैं। मैं सोच रही थी कि 2 साल पहले याद है शॉपिंग चैलेंज किया था। बिल्कुल याद है। एंड अभी तो सेल्स भी चालू है। हाँ। तो आज करते हैं एक और। बड़ा मन है। ओके व्हाट अबाउट कहाँ से? वो धनजी भाई के लिए तो आप ही हो मेरे ATM। चले चलो। कहाँ पे होता है सो आई रैन योर एंड आई गॉट द नाइस पीसेस फॉर माई सेल्फ। आई एम कन्फ्यूज अबाउट प्राइस बिकॉज प्राइस टैग इज डिफरेंट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट प्राइस एक्चुअली इसकी क्या है सो लिटिल बिट कन्फ्यूज हूँ अभी। इट हैज़ टू डिफरेंट प्राइस 790 एंड 990 सो आई डोंट नो व्हिच वन टू फॉलो। Tell them about the shopping bag. So I got so much good stuff and I had to go and get a shopping bag. Like it's full already and I want more. मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, प्राइस निकाला है, थोड़ा सा मेरा अप जा रहा है। यस मिनिमम आई थिंक अराउंड 80-90 रुपीज़ मेरा ऑफ हो रहा है बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कपड़े उससे। मूविंग टूवर्ड्स बिलिंग काउंटर। होम एंड हम दोनों के पास हमारे शॉपिंग बैग्स रेडी है। सो क्या आपके लिए इजी था, तकलीफ हुई, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत इजीली मिल गया, बहुत ही मुझे ये टाइम पे कंफर्टेबल लगा। फर्स्ट टाइम तो मम्मी को बहुत तकलीफ हुई थी बट दिस टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिले। द बिगेस्ट क्वेश्चन, कितना ओवर बजट गया? ज्यादा नहीं गया, ओनली 80 रुपीज। मुझे लगा था जिस तरीके से मम्मी ने मुझे पूछा था ना कि ओवर बजट चलेगा कि नहीं, आई थॉट कि एटलीस्ट 500 रुपए तो गए होंगे क्योंकि मैं 250 रुपीज ओवर बजट गई। ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइटम्स डिड यू बाय? गेस माय आइटम्स। 3 टू ऑन देन 4 देन माइट बी 5। 5 आइटम्स मिले मुझे 2250 में। सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट। द फर्स्ट आइटम आई हैव इज This pair of pink trousers.
परफेक्ट साइज है. सेल में अपना साइज मिलना इज लाइक फाइंडिंग गोल्ड. एंड मॉम विल अग्री कि मुझे कब से एक पिंक पेयर ऑफ पैंट्स चाहिए थी. मुझे ये पैंट सिर्फ 790 में मिले पर ओरिजिनल प्राइस था 1890. सो आई गॉट 1000 रुपीज से ज्यादा का डिस्काउंट. एक एक्सेसरी बता देती हूँ, आई पिक्ड अप दिस पैक ऑफ इयररिंग्स. सो टोटल दो इयररिंग्स का सेट है एंड दिस वॉज ओनली फॉर गेस कितने मिला मुझे 300. Yeah, she's right. 290 rupees का मिला. And दो earrings is not bad, especially ये shell वगैरह ना बहुत trend में है, तो जो भी trendy होता है expensive होता है. So MRP इसका 990 था, but हमें 70% off मिला and I got this for 290. मैंने ये half pant लिया white color में sale में and again perfect size, perfect everything. मुझे बहुत अच्छा लगा. Actual price है 1890 और मुझे ये मिला है only 790. इधर था ये मुझे थोड़ा स्केप्टिकल लगा कि एकदम बलूनी है, बॉडी फिटिंग नहीं है, बस इसके स्ट्रैप्स थोड़े से डिफरेंट है, बट पहन के आई थॉट इट लुक वेरी वेरी वेल विद द पैंट्स. प्लस 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला यार. MRP वॉज 1290 एंड आई पेड 290. मुझे पूरा भरोसा है ये मैं पहनूंगी उससे ज़्यादा टाइम हिली पहनने वाली है. मेरे कबड़ में रहने वाला ही नहीं है. दिस इज एक्चुअली क्रॉप टॉप बट नॉट टू मच क्रॉप. ट्राई किया, फिटिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है. एंड ये कलर मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, ग्रे सिल्वर कलर. सो जो मुझे चाहिए था बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, आज लकीली मिल गया. ओनली वन थिंग, ये सेल में नहीं था सो मुझे MRP पे लेना पड़ा. प्राइस इज लाइक 1290 और मुझे उसी में मुझे लेना पड़ा. दिस इज सो कूल. ऑल्दो आई पिक्ड 5 आइटम्स, आई लाइक आवर आइटम्स मोर. ओके, द लास्ट मेरे दो आइटम्स. सेकेंड लास्ट आइटम जो मुझे मिला इज दिस बेरे. दिस बेरे वॉज ओनली फॉर 290 एंड ज़ारा की हैट्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आई थिंक श्योरली इस पर भी 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला ही है. इसका प्राइस पहले 790 था, फिर 590 हुआ, अब जाके 290 हुआ. सो फाइनली आई गॉट इट. एंड माई लास्ट आइटम, शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट. माई लास्ट आइटम इज दिस बैग एंड दिस इज नॉट लाइक अ क्लच, इसमें स्ट्रैप भी है. So it is a very very sturdy, a very fun nude color bag. Nude है तो सारे outfits में जा सकता है. And इसकी MRP मुझे नहीं मालूम. Okay, अंदर tag है. MRP is 1990. Guess how much I got it for? So according to all these, I think around 500. Pretty good at this. I got this for 590 only, and a Zara bag for 590 is a steal. So that's my outfit. And that's her outfit. So now we wear the outfit and show it to you.
final looks, I was very, very impressed by mom. Like, this is a very out there outfit. So this was our challenge, but you have to tell us in the comment section that who won. So mom ne already Lata ka vote chura liya hai. She works at our place. So mom has told her ki unke liye vote karna hai. But you tell me who do you think you won, and we will see you in the next video. Thank you for watching. Until then, goodbye. Bye.